मोदी जी ने एक ही सत्य बोला है, वो ये सत्य बोला था कि बिहारियों का डीएनए जो खराब है। मोदी सरकार का एक ध्येय वाक्य है, वो हमेशा एक मानते हैं कि नटनी चढ़ी बांस पर तो घूंघट की लाज क्या, कि जब आप नंगे ही हो गए हो, बांस पे चढ़ी गए हो, तो किसी को क्या दिख रहा है, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। तो नोटबंदी का असर पूरी दुनिया में यह आया है कि जहाँ जहाँ नोटबंदी हुई है, ये इतिहास है अब, कि वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से जो है गटर में चली गई, पतन में चली गई, खत्म हो गई। दोस्तों आदावर जी, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आप ये बताइए कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं या किसान आंदोलन शुरू हो रहा, आज भी चल रहा है, किसी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें वाकई ऐसा है। और पंजाब सरकार ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हम तो पूरे पंजाब को मंडी बना देंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ हम नहीं मानते, उसके बाद कोई मान भी नहीं रहा। लेकिन हमारे मोदी जी, प्रिय मोदी जी, वो तो बार बार बता रहे हैं उसके फ़ायदे, क्या फ़ायदे हैं, और कोई नहीं बता रहा, उनके अलावा कोई नहीं बोल रहा, यानी कि कृषि मंत्री जो हैं वो भी नहीं बोल रहे उतना उसके ऊपर। लेकिन अब बिहार के चुनाव आने वाले हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, और कोरोना संकट के बाद पहला चुनाव हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, बड़े स्टेट का बिहार का, और बड़ा कंट्रोवर्शियल चुनाव भी है, क्योंकि वहाँ से जाके बॉर्डर लगता है, नेपाल बॉर्डर भी लगता है, वहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है वहाँ पे, फिर उसका असर बंगाल पे भी जाता है, क्योंकि बहुत से बिहारी बंगाल का चुनाव उसके बाद ही है जी। तो इसका असर जो किसान मूवमेंट का है, किसान मूवमेंट जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यूपी में है, बिहार में, कई जगह तो अखबारों में खबरें, और चैनल तो दे ही नहीं रहा, चैनल तो जो खबर दे रहा वो तो आपको पता ही, जो किसी का खबर दे रहा, तो क्या असर पड़ेगा इसका वहाँ पर बिहार के चुनाव में इसका किसान आंदोलन? देखिए, अभी हम जो है सितंबर महीने के एंड में हैं, और अगले महीने के एंड में, अक्टूबर के एंड में 28 तारीख को बिहार में पहले चरण का वोट है, तो एक तरह से पूरा एक महीना बचा हुआ है। और अगर हम देखें देश की हालत, तो देश की हालत जो है इस समय धधकती हुई हालत है, जलता हुआ देश है, और देखेंगे कि किसान जो है वो पूरी तरह से नाराज़ है सरकार से, और वो गुस्से में जो है सड़क पर उतर है। तो किसान से लड़कर कोई सरकार, चाहे हिंदुस्तान की हो या किसी मुल्क की हो, वो कभी अपनी सत्ता पर बैठी रह नहीं सकती। अब हिंदुस्तान में ये सवाल बड़ा है कि उनके जो भक्त हैं उनको मोदी जी पे बड़ा यकीन है, और वो मानते हैं कि मोदी जी तो मुमकिन है, और इसीलिए जो आंदोलन है वो पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब हरियाणा के किसानों से शुरू हुआ, फिर वेस्टर्न यूपी के किसानों पे, महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश, सब जगह फैला हुआ है। लेकिन इस किसान आंदोलन का जो असर है वो सबसे कम असर जो है बिहार में। कैसे कह सकते हैं सब? बिहार में इसलिए है क्योंकि बिहार में एक तो जोत की सीमा है वो बड़ी कम है, और दूसरा बिहार में जो किसान अन्न उपजाता है वो अपने ही फायदे और अपने कंज्यूमशन के लिए अपनाता है। जैसे वहाँ मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी है। जी हाँ, मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, बाहर से पैसा आता है। दूसरा वो फसल जो है बेचने का सिस्टम बिहार में ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पंजाब का किसान जो बम्पर क्रॉप करता है और वो उसको बेच देता है, पूरी इकोनॉमी उनकी, हरियाणा का बेच देता है, राजस्थान का बेच देता है। आप देखेंगे बिहार में जो है फसलें जो है बड़ी सीमित किस्म की होती है, गन्ने की फसल हो जाती है, मक्के की हो जाती है, और गेहूँ और चावल हो जाता है, या वो उगाते हैं तो जैसे हम कहेंगे सिंघाड़े हैं, ऐसी चीज़ें उगाते हैं, और बिहार में उनकी कंजम्पशन खुद हो जाती है। तो मोदी सरकार को पूरा यकीन है कि किसान आंदोलन की आँच जो है वहाँ नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि मोदी सरकार का एक ध्येय वाक्य है, वो हमेशा एक मानते हैं कि नटनी चढ़ी बांस पर तो घूंघट की लाज क्या, कि जब आप नंगे ही हो गए हो, बांस पे चढ़ी गए हो, तो किसी को क्या दिख रहा है, तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है। लाज तो उसे आती है, घूंघट तो वो करे जो समझे कि भाई मेरे को कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जेठ देखेगा या देवर देखेगा। जब नंगे ही का खेल चल रहा है तो वो सरकार जो है खुला खेल, फरुखाबादी जो है मोदी सरकार करती है। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जिस तरह ये बिल पास हुआ, और जिस तरह इसको राष्ट्रपति ने कल असेंट दे दी, और उसको कहा जी हम इसे कानून बना रहे हैं। तो कानून बनाने के बाद जो आपने देखा होगा बयान जो आया तोमर जी का, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कभी कभी बोलते हैं, और वो जब बोलते हैं जब बारिश होने के बाद जब बाढ़ आ जाए तब वो कहते हैं जी बारिश आनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा किसानों से हम रात के 12 बजे भी बात करने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि बात तो पहले करनी थी जब बिल ला रहे थे, अध्यादेश ला रहे थे, अध्यादेश लाने और बिल पास होने के बीच में आपको बात करनी थी, वो तो की नहीं। अब वो कह रहे हैं जी हम करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा बड़ा अच्छा लॉजिक मेरे को उन्होंने दिया पार्लियामेंट में और बाहर, कि ये किसान बिल जो थे, ये सारे जो कृषि वाले बिल थे, ये तो कांग्रेस को लाने थे।
और कांग्रेस लाने के लिए लगी हुई थी और हम ले आए, तो हमने क्या बुरा किया। तो मुझे उनकी बात सुनकर, मैं एक फ़ोटो मेरे पास होती थी, मैं देखता भी था कई बार, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मूर्ख करते हैं। ये आप देखेंगे कि एक जो है कारीगर ने एक बाथरूम बना दिया और कांग्रेस भी बाथरूम बना रही थी, लेकिन इस कारीगर ने अकल क्या दिखाई, इसमें गलती क्या की कि बाथरूम की जो नाली है वो ज़मीन से 4 इंच ऊंची बना दी। अब हर चीज़ बन गई, टाइल भी लग गए, बाथरूम भी बन गया, उसमें नाली भी बन गई, लेकिन अगर आप ढहाएंगे इसमें तो सारा पानी जो है नाली में नहीं जाएगा, बाथरूम के फर्श पर रहेगा। तो ये मूर्खतापूर्ण काम जो है ये भाजपा ही कर सकती है, ये तोमर जी ही कर सकते हैं, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए ये फ़ोटो मेरे पास कई दिन से रखी थी, तो मैं सोचता था इसका इस्तेमाल मैं कब करूँगा। तो तोमर जी ने मुझे मौका दिया कि उन्होंने बताया कि हम जो है काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को अकलमंदी से नहीं, बेवकूफ़ी से करते हैं। कि यानी अगर इनको कहा जाए कि बैलगाड़ी बनानी है तो ये कर देंगे कि बैलगाड़ी तो बना देंगे, लेकिन बैल को जो है गाड़ी के आगे की जगह जो है बैल का मुंह जो है गाड़ीवान की तरफ कर देंगे कि बेटा अब तू चल के दिखा। तो मोदी जी जो है हर चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो अच्छा बिहार इवेंट की तरह लेते हैं कि चैलेंज की तरह लेते हैं? इवेंट की तरह तो लेते हैं, उसे भव्य तरीके से करते हैं। यानी मूर्खता का प्रदर्शन भी बड़े भव्य तरीके से होता है, और चैलेंज इसलिए लेते हैं कि दूसरों ने जो किया है मैं उससे उल्टा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे में अपनी बुद्धि है। अच्छा एक बात इसमें निकल रही है, बताइए, क्योंकि ये जैसे कहते हैं कि नोटबंदी की बात आई थी तो इन्होंने कहा था इंदिरा गांधी भी करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई, मैंने कर दिया। जी जी जी, अपनी मूर्खता में जब ये कामयाब नहीं रहते तो ये कहते हैं कि ये मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ दुनिया का जिसने मूर्खता किया, क्योंकि मूर्खों का तो इतिहास है पूरी दुनिया में। मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उससे मुझे पता चला कि दुनिया में पहली नोटबंदी एक वाल्वा वंश था फ्रांस में 14वीं शताब्दी में, आज से 600 साल पहले उन्होंने नोटबंदी की। और नोटबंदी जब की तो वहाँ पर जनता में विद्रोह हो गया, तो वहाँ पर विद्रोह को दबाया गया सेना द्वारा। जब वो दोबारा शासन ठीक हो गया तो वहाँ जो उस राजा का दूसरा बेटा आया राजा के मरने के बाद, तो उसने फिर नोटबंदी कर दी। तो वाल्वा वंश ने 4 बार नोटबंदी की फ्रांस में, और उस फ्रांस की उस बेवकूफ़ी की वजह से ये हुआ कि फ्रांस जो है अमरीका तो था नहीं उस समय, लेकिन ब्रिटेन से और जर्मनी से पिछड़ गया। तो नोटबंदी का असर पूरी दुनिया में यह आया है कि जहाँ जहाँ नोटबंदी हुई है, ये इतिहास है अब, कि वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से जो है गटर में चली गई, पतन में चली गई, ख़त्म हो गई। लेकिन मोदी जी जो है, जैसे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी चाहती थी, तो इंदिरा गांधी के टाइम भी नोटबंदी हुई थी सीमित माध्यम से, सीमित रूप में, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन उस नोटबंदी का मकसद जो है देश की अर्थव्यवस्था को संभालना था, और वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो उस समय के अर्थशास्त्रियों के नियंत्रण में हुई थी। जैसे अगर ऑपरेशन करना हो, मान लो किसी को मैं कहता हूँ आपका हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो प्रधानमंत्री का काम नहीं है वो हार्ट के ऑपरेशन को करे, वो तो डॉक्टर ही करेंगे। एनेस्थीसिया वाला एनेस्थीसिया देगा, पल्स देखने वाला पल्स देखेगा, सर्जन जो है वो चीरेगा, तो वो करेंगे। लेकिन अगर मैं समझूं कि प्रधानमंत्री होते ही मैं जो है हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, तो वो तो नहीं हो सकता। तो मोदी जी क्या होता है, वो कई अवतार लेते हैं, कभी वो डॉक्टर के अवतार में होते हैं, कभी वो अर्थशास्त्री के अवतार में होते हैं, कभी वो उपदेशक के अवतार में होते हैं, आजकल उपदेशक के अवतार नहीं, आजकल तो वो दाढ़ी बढ़ाने में लगे हुए हैं, और दाढ़ी बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है वो, मैं कल किसी से बात कर रहा था कि एक फिल्म आई थी किशोर कुमार की, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दो ही फिल्में बड़ी फेमस हुई थी, किशोर कुमार ने भी जो बनाई थी कि पहले आई थी चलती का नाम गाड़ी, तो फिर उसने कहा बढ़ती का नाम दाढ़ी बना दो, लेकिन वो किशोर कुमार की फिल्म फ्लॉप हो गई। तो मोदी जी की भी जो फिल्म है वो फ्लॉप हो गई। तो फ्लॉप होना जो है दाढ़ी के साथ कुछ मैं कहता हूँ गलती सी बात है। तो हमारे एक मित्र हैं विजय कपूर, वो कल मुझे किस्सा सुना रहे थे, जब मैंने उन्हें ये बात सुनाई तो बोले जी किशोर कुमार एक फिल्म में काम करता था, लेकिन वो जो है उस समय में पेड होते थे, इनको तनख्वाह मिलती थी और दफ्तर के टाइम पे की तरह जाना पड़ता था, ये एक्टर नहीं होते थे, नखरे नहीं होते थे। तो जब किशोर कुमार वहाँ सेट पर जाता तो लेट जाता था, तो मधुबाला नाराज हो गई एक बार कि ये हमेशा लेट आता है, मैं वक्त पर आ जाती हूँ, मेरा टाइम ख़राब होता है। तो डायरेक्टर ने कहा देखो ऐसा है मिस्टर किशोर कुमार, कल से तुम्हें जो है 10 बजे का टाइम लिखा है इसमें एग्रीमेंट में, तुम्हें 10 बजे आना है। किशोर कुमार ने कहा जी मैं 10 बजे आ जाऊंगा। अगले दिन किशोर कुमार 8 बजे जाके मौजूद हो गया, बैठ गया सेट पे, बैठ गया तो डायरेक्टर आया, उसने कहा भाई आ गए तुम, कहता हाँ जी मैं 8 बजे आ गया। सब ने कहा जी 8 बजे आ गया। तो किशोर कुमार ने चलाकी क्या की, अपने सारे बाल मुड़वा लिए, गंजा सर करके आ गया।
तो डायरेक्टर सर पे हाथ धर के बैठ गया, बोला ये गंजे का मैं कैसे रोल करूंगा, पिछले रोल में तो तेरे बाल है। तो किशोर कुमार ने उसे जवाब दिया, जनाब आपका जो ये एग्रीमेंट है ना, इसमें कहाँ लिखा है कि एक्टर जो है बाल नहीं कटा सकता, तो मैंने बाल कटा लिए। तो मोदी जी जो है, किशोर कुमार की आत्मा मुझे लगता है कई बार मोदी जी के अंदर आ गई है। और ये जो भर्ती का नाम दाढ़ी है, इसमें तो वाकई मुझे लगता है कि अगर किशोर कुमार जिंदा होते तो वो जो है मोदी जी को लेकर एक फिल्म जरूर बनाते और उसके हीरो मोदी जी होते। तो अब सवाल ये है कि जो बिहार के चुनाव हैं, आपने बात बिहार के चुनाव की शुरू की, तो बिहार के चुनाव के बारे में एक बड़ी बात यह है कि मोदी जी की एक ही बात मुझे अच्छी लगी, जो मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने एक ही सत्य बोला है, वो ये सत्य बोला था कि बिहारियों का DNA जो खराब है। सारे बिहारियों का DNA खराब है। तो उन्होंने DNA किसका खराब होता है, DNA ऐसी बात है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कोई समस्या चली आ रही हो, कोई बुराई हो, कोई कमी हो, बीमारी चलती है, खराबी है। हाँ। जैसे कईयों को डिफॉर्मिटी होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कईयों को अकल नहीं होती, बेवकूफ होते हैं, बीमारियां, मधुमेह की बीमारी, बीमारी हेरिडिटरी जो बीमारियां होती हैं, जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं, वो भी। तो मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी को पता था कि बिहारी इतने मूर्ख हैं कि मुझे जो है, मैं चाहे कुछ भी करूं, ये बंदर की तरह जो है मेरे पीछे ही चलेंगे, क्योंकि बंदर पालने वाला जो है वो जानता है कि बंदर उसका बंदर है, उसी के हिसाब से नाचेगा जी। तो मोदी जी जो बिहारियों के बारे में उन्होंने कहा था कि इनका DNA खराब है, मुझे लगता है कि बिहारियों ने इस बात को ये मान लिया है कि मोदी जी उनको जो है सही रूप में पहचाने हैं। लेकिन देश की जो समस्या है, देश की जो जनता है, उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है कि जैसे ये आदमी है कि हमारी समस्या क्या है। तो मोदी जी ने 6 साल में इतनी सारी समस्याएं हमें दे दी हैं कि आदमी जो है एक पैर की तो चप्पल पहन लिया, अब दूसरी पैर की चप्पल ढूंढ के दिखा। तो मैं लोगों को कहता हूँ तू बता तेरी समस्या कौन सी है, वो कहेगा जी बेकारी है, तो मैं कहूँगा बेकारी समस्या है, कहेगा नहीं जी खाना भी नहीं मिला। अच्छा खाना नहीं मिला, कहता नहीं जी कपड़े भी नहीं है, बिजनेस भी ठप है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किस्त दे नहीं पा रहा, मकानदार ने बाहर निकाल दिया है, तो बस में जाने का खर्चा नहीं है, किराया नहीं है। तो मोदी जी ने एक मुश्त तरीके से देश के लोगों को हजारों समस्याएं दे दी हैं, और उन समस्याओं का कोई हल जो है मोदी जी उनको ढूंढें तो वो नहीं ढूंढ सकते। तो ये हाल जो है देश का मोदी जी ने किया है, और इसलिए जो है जब बिहार के चुनाव की आपने बात की, उस पर तो पूरा बहना जो है चुनाव के ही लगे चलेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है, और बीजेपी की जो सहयोगी है JDU, वो ये चाहती है कि बिहार के चुनाव में बिहार का मुद्दा ना उठे, बिहार की गरीबी का ना उठे। जैसे बार बार ये कहा जाता है भाई 15 साल में नीतीश कुमार ने कौन सा उद्योग वहाँ लगा दिया, कौन सा कार्यक्रम सरकार ने चलाया, तो पता चलेगा जी सृजन घोटाला हो गया, वहाँ जननी जो है जो सुरक्षा निधि थी उसमें 1600 करोड़ का घोटाला हो गया, सड़क में घोटाला हो गया, बिहार में ऐसे पुल बनते हैं जो उद्घाटन होने से पहले ही टूट जाते हैं उसी दिन, नहीं अभी तो अब वाला तो पहले ही टूट गया, पहले ही टूट गया वो। तो पुल वहाँ टूट जाते हैं, अंग्रेजों के टाइम के पुल हैं लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया वो सारे गायब हो जाते हैं। बिहार में पता ही नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में। बिहार में जो है पटना में हर साल बाढ़ आ जाती है, और जो है जो मुख्यमंत्री थे पहले वो जो है खुद आकर जो है फ्लाईओवर पे आकर खड़े हो गए कि जी मैं क्या करूँ मेरा घर डूब गया। तो देश को बिहार को इन्होंने एक तरह से प्रयोगशाला बना रखा है, इस बात की प्रयोगशाला बना रखा है कि कितना मूर्ख हम बना सकते हैं, कितना इनको सता सकते हैं, कितना हम इनको लूट सकते हैं, कितना हम इनको बेकार कर सकते हैं, तब भी ये जो है वोट हमें ही देंगे। यानी जो आज बिहार कर रहा है, जो बिहार सोच रहा है, मोदी जी मानते हैं, बीजेपी मानती है, RSS मानती है कि 10 साल का बाद वाला हिंदुस्तान भी यही करेगा, कि सारे भूखे हो जाएंगे, सब कच्छे पहन के घूमेंगे और कहेंगे जी मोदी जी जिंदाबाद, RSS जिंदाबाद। तो इस तरह की हालत जो है इन्होंने देश की बना दी है, और देश की बनाने के बाद भी जो मुझे लगता है कि जो इनकी बुद्धि है वो बड़ी उपजाऊ है। तो मैंने कहा था जैसे कि नटनी चढ़ी बांस पर तो घूंघट की लाज क्या, तो बांस का ये किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक आदमी था वो गांव वालों को बड़ा परेशान करता था, हर चीज़ में दखल देता था, उनका कोई त्यौहार होता था उसमें कोई गड़बड़ कर देता था, उत्पात मचाए रखता था। एक दिन जब वो मरने लगा तो लोगों ने अपने उसके यहाँ देखने गए, ये मर रहा है, तो बोले रामस्वरूप तू मर रहा है लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि तू मर रहा है। तो रामस्वरूप ने कहा ये साले मरने से पहले भी ये मुझे याद रखते हैं, तो मैं कोई ऐसा काम करूँ ये मरने के बाद भी मुझे याद रखे। तो रामस्वरूप जो है बैठ गया उकड़ू होकर, बोला जी मैंने तुम लोगों को बड़ा दुख दिया है, बचपन से आज तक मैंने किसी का भला नहीं किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापों का प्रायश्चित करने में मेरी मदद करें। तो गांव वालों ने कहा हम क्या करें, कहते हैं देखो ऐसे जब मैं मर जाऊँ तो मरने के बाद जो है मेरी लाश को फूकने मत जाना,
उन्होंने क्या करें, बोले आप जो है ये बांस जो है मेरे चुतड़ों में देके इस बांस को खड़ा कर देना, ताकि जो है पूरी दुनिया को एक सबक मिले कि रामस्वरूप ने लोगों की बुराई की तो रामस्वरूप के चुतड़ों में बांस देके लोगों ने खड़ा कर दिया। तो लोगों ने जब रामस्वरूप मर गया थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने कहा रामस्वरूप ने चलो एक बात कही थी उसकी बात तो मान ले, तो उन्होंने जो है रामस्वरूप के चुतड़ों में बांस दिया और उसको गाड़ दिया और गाँव के बाहर खड़ा कर दिया। पुलिस आई, पुलिस ने देखा ये क्या कर रहा है, तो गांव वालों ने कहा जी रामस्वरूप ने कहा था। पुलिस ने कहा किस किसने गाड़ा, सब गांव वालों ने गाड़ा जी हमने गाड़ा। तो पुलिस बोली चलो अब तुमने रामस्वरूप किया मर्डर किया है, अब तुम जो है जेल में रहो। तो वो जो गांव वाले जब जेल में गए तो कहते थे रामस्वरूप ने हमसे बदला ले लिया। तो भाजपा जो है देश के लोगों के साथ ऐसे ही बदला अभी भी लेगी और बाद में भी लेगी, इस बात पर मेरी पूरी राय है। अब मैं मानता हूँ कि देश की जनता को ये जो बांस है ये लिए रखना पड़ेगा, चाहे जिंदा रहें या मरें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने जो बताया, जो जिस तरीके से बात बताई बिहार का इलेक्शन की, कि उसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ने का इन सब चीज़ों का। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।